हेलो अरीना वालो, क्या हाल है दोस्तों। आज आपका भाई आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी के बारे में। दोस्तों सेल्फ स्टडी जो है ना सबके लिए जरूरी है। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं, कोचिंग ज्वाइन किए, तब भी आपको सेल्फ स्टडी करना ही है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते ना तो आप कितने भी कोचिंग अच्छे से अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लो, अच्छे से अच्छे स्कूल में चले जाओ, आपका कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करना ही है और बिल्कुल करना है। देखो इस वीडियो में आपसे चार पॉइंट्स शेयर करूंगा। अगर आप उस तरीके से कर लेते हो ना तो आपको टॉप होने से कोई रोक नहीं सकता, वो भी बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए हो। और ऐसा भी नहीं कि वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत इजी स्टेप्स है जो आपको करते हैं, अगर रेगुलर करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसके अलावा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा आपसे एक और बात करनी है कि दोस्तों आपको मन में स्टडीज रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलेगा। तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम इसके वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई लोग, सबसे पहले आपको करना है कि आपको एक टाइम बनाना है, एक फिक्स टाइम बनाना, उसमें आपको डेली पढ़ना है। और आप सोचेंगे टाइम क्या हो सकता है, तो ये टाइम आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये टाइम मैं अगर बताऊंगा तो सबके लिए अलग अलग टाइम हो सकते हैं। क्योंकि किसी का स्कूल सुबह में हो सकता है, किसी का दोपहर में हो सकता है यानी कि 10 बजे से हो सकता है, किसी कोचिंग शाम में हो सकती है, सुबह में होती है। तो उस अकॉर्डिंग आप अपना टाइम डिसाइड कर लीजिए। आप जब भी फ्री रहते हैं, अगर आप शाम में फ्री रहते हैं तो शाम में डिसाइड करना है, शाम में पढ़ाई करनी है। अगर आप शाम में बिजी रहते हो तो सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, रात में पढ़ाई करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम फिक्स कर लीजिए। इसके ऊपर मैं एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना टाइम फिक्स करना, उस टाइम में आपको पढ़ना ही है, डेली पढ़ना। ऐसा नहीं कि टाइम बना लिए कि हाँ भैया हम 5 बजे से लेके रात को 11 बजे तक पढ़ेंगे, एक दिन पढ़े, दो दिन पढ़े, तीसरे दिन सोचे यार 2 दिन तो पढ़ लेना, चलो आज ब्रेक ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। भले आपको 6 घंटे नहीं पढ़ना है, आपको 2 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन डेली पढ़ना है। जी हाँ, डेली पढ़ना है, आपको गैप नहीं करना है, जब तक कि बहुत ही इमरजेंसी केस नहीं आ जाती। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने एक टाइम बना लिया और उस टाइम में आपको डेली पढ़ना ही है। पहले पॉइंट तो हो गई कि आपको अपना एक टाइम डिसाइड करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दोस्तों, नेक्स्ट आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जहाँ भी पढ़ाई करें ना वहाँ पे आसपास साफ सुथरा हो। साफ सुथरा कहने का मतलब ये नहीं कि एकदम टाइल्स लगी हुई हो और एकदम दीवार एकदम अच्छी तरह से चमक रही हो, वो कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो वहाँ पे सामान बिखरे हुए ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि आप बेड पे पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ की बेडशीट एकदम सीधी हो, वहाँ पे पिल्लो कवर वगैरह जो भी पिल्लो है वो मतलब एकदम अच्छे से एडजस्ट किया हो। इससे ये होता है कि जैसे अगर फ्रेश दिखते हैं ना तो हमें अच्छी फीलिंग्स आती है, और अच्छी फीलिंग्स आती है तो हमें पढ़ने में भी अच्छा लगता है। अब मान लीजिए कि आप बेड पे पढ़ रहे हो, इधर पिल्लो है, इधर ब्लैंकेट खुले पड़े हैं, तो आधे घंटे बाद जब मम्मी आएंगे तो देखेंगे उनका बच्चा ब्लैंकेट में घुस के सोया पड़ा है। तो आपको वैसा कुछ भी नहीं करना, आप कहीं भी पढ़ सकते। ऐसा जरूर तो नहीं है कि सबके घर में एक स्पेशल स्टडी रूम हो ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत कम लोग साथ होता है। तो उससे मैटर नहीं करते कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, मैटर इस बात से करता है कि आप जहाँ भी पढ़ो वहाँ पे आप सबसे पहले उस रूम को अच्छे से ठीक कर लो, बेडशीट को अच्छे से ठीक कर लो, उसे अच्छे से एडजस्ट करो, ताकि आपको एकदम फ्रेश दिखे, तब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपका मन भी लगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो दोस्तों हो गए 2 पॉइंट्स। अब जो तीसरी पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो अभी पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आप सभी को करना ही है। देखो आप मान लो कि आज आप रात में पढ़ने वाले हो, ठीक है, तो आप रात में क्या पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे, कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, ये आपको रात में पढ़ने के बाद नहीं सोचना है। यानी कि जब आप पढ़ने बैठ गए तब आपको नहीं सोचना है, आपको पहले से आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए, फिट होना चाहिए कि आज आपको रात में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ये आप करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप नहीं करते हो ना मेरे भाई, तो आप एक बार करके देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो भी आपको मान लीजिए कि आप कल सुबह में उठ के पढ़ने वाले, तो आपको रात में सोने से पहले डिसाइड कर लेना है कि कल मुझे सुबह उठ के मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स में ये चैप्टर लगाना है, कल मुझे इंग्लिश पढ़ने सुबह जग के ये चीज़ याद करने, इतने पढ़ने हैं। ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना से कितना पढ़ना है, एकदम आपके एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको जब भी टाइम हो, मान लो कि आपको 8 बजे से पढ़ने का टाइम हो, आपने 8 बजे गया पढ़ने, आपने एकदम बुक खोल के आपने पढ़ना शुरू कर दिया। अगर आप डिसाइड नहीं करोगे ना तो आप वहाँ पर सोचोगे कि क्या पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, हिंदी पढ़ें, तो उसमें ही आपका आधा घंटा चला जाता है। फिर आप अच्छा चलो
10 मिनट हिंदी पढ़े मन नहीं लग रहा है, चलो जियोग्राफी पढ़ लेते हैं, 10 मिनट जियोग्राफी पढ़े चलो मन नहीं लग रहा है कुछ और पढ़ लेते हैं, तो आपका 2 घंटा बर्बाद भी हो जाएगा और फाइनली आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फिर से जोर दे के कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी पढ़ना हो ना आपको, आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको कल क्या पढ़ना है, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हो ये है कि देखो, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो लगातार बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप नहीं कर सकते लगातार 4 घंटा, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं यार। देखो आप 1 घंटे करो, 5-10 मिनट का ब्रेक लो, 5-10 मिनट का ही ब्रेक लो बस। ऐसा नहीं कि 1 घंटे पढ़े 2 घंटे का ब्रेक ले लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक्चुअली सभी के साथ होता है, हम लोग के साथ भी होता है। जब लोग पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि चलो ब्रेक तो लेंगे, पाँच ही मिनट का सोचते हैं कि चलो यार हमने इतनी देर से पढ़ा, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक लेने के बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन यूज़ करने लगते हैं। फ़ोन यूज़ करने के बाद व्हाट्सएप, फेसबुक, वो 5 मिनट का 50 मिनट बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। उसके बाद पढ़ाई अगर दोबारा शुरू हो जाए तो भगवान का शुक्र है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक में क्या करना है, फ़ोन तो बिल्कुल आपको हाथ लगाना ही नहीं है। आपको ब्रेक में आप जाके थोड़ा बहुत सॉन्ग सुन सकते हो, या फिर अपनी फैमिली में किसी के पास जाके 5-10 मिनट बैठ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ब्रेक में आपको ये करना है, पानी वगैरह पी लिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लिए, वॉकिंग कर लिए थोड़ी बहुत, बस आपको यही करना है। फ़ोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, आपको फ़ोन एकदम यूज़ ही नहीं करना है। नहीं तो अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे ना तो आपका बहुत लॉस होने वाला। पढ़ाई के बाद जितना फ़ोन यूज़ करना है करो ना, फ़ोन में आप पबजी खेलो या फिर सब्जी ले लो, जो आपको करना है करो, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे आपको फ़ोन नहीं छूना है। अब देखो एक और बात होती है कि फ़ोन अगर हमारे पास रहता है ना तो मन में ये लगता होता है किसी का मैसेज तो नहीं है, एक बार देख ले, एक बार चेक कर ले, नोटिफिकेशन चेक कर ले। आपको ऐसा करना ही नहीं। देखो अब ये तो अगर जैसे माइंड की बात है ना, तो माइंड को कंट्रोल करना हम सोचते तो हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपको डेली सुबह में उठ के 10 मिनट मेडिटेशन करना है। जी हाँ, सिर्फ 10 मिनट। आप 10 मिनट तो खुद को इम्प्रूव करने के लिए दे ही सकते हो, बस 10 मिनट मेडिटेशन करना है। इस पर ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो 10 मिनट आपको मेडिटेशन करना है। इससे देखो एक दिन में तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप कुछ दिन कर लेते हो ना, एक हफ्ते भी कर लेते ना, तो सबसे पहले तो आपको एकदम माइंड फ्रेश मिलेगा, आपको एकदम आपको लगेगा कि आप एकदम अंदर से एक्टिव फील कर रहे हैं, और इससे धीरे धीरे आपको अपना माइंड कंट्रोल करने आ जाएगा। तो सुबह उठ के अब 10 मिनट खुद को दो, इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने वाली है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ये है कि आप कुछ भी पढ़ो, मान लो कि आज आपने चैप्टर 6 पढ़ लिया किसी भी सब्जेक्ट का, मान लो केमिस्ट्री का आपने चैप्टर 6 पढ़ लिया, केमिस्ट्री मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है इसलिए बार बार केमिस्ट्री निकलती है, मान लो आपने केमिस्ट्री का चैप्टर 6 पढ़ लिया, ठीक है। उसमें जब आप कल बैठे पढ़ो ना, ठीक है, मान लो कि कल आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर मान लो आप परसों केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो परसों केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले आपको पीछे का एक बार ज़रूर देखना है, नहीं तो पता चलता कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो और पीछे का भूलते जा रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। भले अगर आपको 2 घंटे पढ़ना और आधा घंटा आपको पीछे का रिवीजन करने में निकल जाते तो वो एक्सेप्टेबल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना तो रहेगा ना कि मान लीजिए 10 चैप्टर पढ़ चुके, तो 10 चैप्टर में से उससे पहले कोई कुछ भी पूछे आप एकदम तुरंत बता दोगे, आपके सारी चीज़ फिंगर टिप्स पर रहेंगी। अब आपने 10 चैप्टर्स पढ़ लिया और कोई पूछे किसी भी चैप्टर का उसके पहले का, तो कुछ सोचना पड़े, तो वैसा पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको जब भी पढ़े, आप मैथ पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़े तो उसके पहले का एक बार रिवाइज कर लें। आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, बायो, सारे में आप कर सकते हैं। तो जब भी आगे पढ़े तो एक बार आप पीछे का जरूर रिवाइज कर लें, तभी आप आगे बढ़े, भले उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है तो होता है। एक और मैं बात यहाँ पर बता दूँ, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है यार पूरा टाइम तो रिवीजन करने में निकल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से समझना। अब अगर आप 10 चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप 10 चैप्टर आप पढ़ चुके हो, 11th आप स्टार्ट करो, तो 10 चैप्टर का पहले दिन अगर आप रिवाइज करोगे तो उसमें आपका टाइम जा सकता है, ये मैं मानता हूँ। भले आप उस दिन 11th चैप्टर मत स्टार्ट करो यार, लेकिन आप जो पढ़ा है वो तो आपका पूरी तरह से हो जाएगा ना, अच्छे से एकदम रिवाइज हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको 2 घंटे लग गए, एकदम वर्स्ट केस में मान लेते हैं कि आपको पीछे का रिवाइज करने में 2 घंटे लग गए। जब आप अगले दिन पढ़ोगे, 11th चैप्टर स्टार्ट करोगे, तो फिर आपको रिवाइज करना है, तो आप 2 घंटे के जगह 1 घंटे लगेंगे, ठीक है। फिर आपने जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा तब भी आपको रिवाइज करके ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अरे कल ही तो रिवाइज किया था, आज रिवाइज करने की जरूरत क्या है, नहीं भाई, यही तो गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना। तो फिर जब आप करोगे ना, तो आपको जो पहले दिन 2 घंटे लगे थे, आपको चौथे दिन 15 मिनट में वो काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आप पढ़ोगे तो जो 15 मिनट लगा था वो आपका 10 मिनट में हो जाएगा। इस तरीके से होते, तो आप डेली रिवाइज करते रहे तो आपको पता चलेगा कि
अगर आप इस तरीके से करते हैं तो एक दिन पर होगा कि आपका 10 चैप्टर 5 मिनट में, बस आपको पेज पलट पलट के देखना, क्योंकि आपको नहीं तो डेली वही काम करना है, तब के एकदम सारी चीज़ें स्कैन हो चुकी है आपके माइंड में, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। शुरू में टाइम लगता है रिवाइज करने में, लेकिन अगर आप ये डेली करते हैं तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और सोच लीजिए अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपको टॉप होने से कौन रोक सकते हैं, बताओ किसकी इतनी हिम्मत कि आपको टॉप होने से रोक दे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है, आपको कोई भी नहीं बताएगा। तब इस तरीके से पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप कोचिंग जाते तब भी ऐसे कर सकते हैं, आप कोचिंग नहीं जाते तब भी ऐसे कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें आपको मैंने बताया कुछ ऐसे पॉइंट जिसे अगर आप करते तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हो। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो आपको जो करना है, जितनी मस्ती करनी है करो, सबको करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठो तो ये मैंने जो 4-5 रूल्स बताए हैं आप इसे दिमाग में रखें और इसे कोशिश कीजिए कि इसे फॉलो करें। आपको जाने के लग ही गया होगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, नॉर्मल सी बातें मैंने बताई, लेकिन इसको फॉलो करना है आपको अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स पाने हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों अपनी फैमिली में। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।